ठीक है नमस्कार मैं हूं कंचन शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस आज का अखबार क्या कहता है और कौन कौन सी खबरों पर आज सारा सारा दिन दिन नजर बनी रहेगी सुर्खियों में कौन कौन सी खबरें फटाफट एक एक नजर डाल लेते हैं और बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं उन पर एक एक नजर डालते हैं देखिए नव भारत टाइम्स में फ्रंट पेज पर जो खबर दी गई है जिसको प्रमुखता दी गई है वो है कि साउथ कोरिया में तीन दिन में आए चौदह लाख कोरोना केस यानी कि कोरोना का जो मामला है अब साउथ कोरिया में बढ़ रहा है इसको लेकर के क्या लिखा गया है कि यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में कोरोना वायरस को ए, की लहर चिंता जनक रफ्तार से ऊपर जा रही है चीन में चौदह महीनों के बाद में कोरोना ने आ, आ, ने दो जान ले ली है हांगकांग की बात करते हैं अगर तो हांगकांग में कुल केस 10 लाख पार कर गए हैं जिनमें से 97 परसेंट केस कोरोना के हालिया लहर में बीती फरवरी के बाद में सामने आए हैं और अब वहां पर वायरस <coughs> वहां पर ये वायरस अब तक 5401 जाने ले चुका है ये बड़ी संख्या है और बड़ा आंकड़ा है जो कि चीन में 2019 में इन्फेक्शन फैलने के बाद से अब तक दो, अब तक हुई मौतों में 4636 से भी ज़्यादा है तो वहीं आगे लिखा गया है कि वहीं पर शवों को रेफ्रिजर, रेफ्रिजरेटेड शिपिंग कंटेनरों में रखना पड़ रहा है देखिए क्योंकि और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ताबूत हैं वो खत्म हो गए हैं स्थिति कितनी खराब होती जा रही है इसका अंदाजा से लगाया जा रहा जा सकता है या फिर बहुत मुश्किल से ताबूत मिल पा रहे हैं तो ये वहीं पर इसी को लेकर के जो डब्ल्यू एच ओ का स्टेटमेंट है वो ये है कि डब्ल्यू एच ओ ने कहा है कि कोरोना के आंकड़ों में ये उछाल टिप ऑफ द आइसबर्ग है यानी कि महामारी जितनी बड़ी दिख रही है असल में तस्वीर उससे भी ज्यादा भयानक है और महामारी जल्द इतनी जल्द खत्म नहीं होने वाली है हम लोग अभी भी महामारी के बीच हैं तो खबर है जो साउथ कोरिया में तीन दिन में आए जो चौदह लाख कोरोना केस हैं उनमें जो स्थिति की जैसा कि इसमें बताया गया है कि ताबूत तक वहां पर नहीं मिल पा रहे हैं वहां पर कोरोना दस्तक दे चुका है और कोरोना आंकड़े जो हैं वो बढ़ रहे हैं ये चिंताजनक स्थिति है वहीं दूसरी तरफ देखिए इस पर आपको अपडेट मिलती रहेगी वहीं पर सूरज कुंड मेला शुरू हो जो है रात साढ़े नौ बजे तक एंट्री मिल सकती है कोरोना के बाद में अब जो स्थिति सामान्य हुई है धीरे धीरे जो आ, आ, सभी चीजें खुलनी शुरू हो गई है और सभी स्थिति जो सामान्य हो रही है उसी को देखते हुए सूरज कुंड मेला की जो शुरुआत हुई उसे लोग अब के बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं क्योंकि एक साल के अंतराल के बाद में सूरज कुंड मेला शनिवार से शुरू हो गया है और प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसका उद्घाटन किया वो वहां पर पहुंचे उद्घाटन के लिए मेले में रात साढ़े बजे तक एंट्री हो सकती है अब तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है क्योंकि कोरोना के बाद से ना कोई फेस्टिवल ना कोई त्यौहार मनाया गया ना मंदिरों में जाया जा सकता था घरों में कैद हो गए थे तो उसके बाद में अब धीरे धीरे सामान्य चीज़ें होती जा रही हैं इस पर और दूसरी चीज़ ये कि देखिए भगवंत सरकार देगी पच्चीस हज़ार नौकरियाँ पंजाब के मुख्यमंत्री बन चुके हैं भगवंत मान और उसके बाद में लगातार जो बड़े ऐलान हैं ट्विटर अगर उनका देख लिया जाए तो वो कभी खाली नहीं जाता है वो लगातार अपने अपडेट्स जो हैं वो वो ट्विटर पर भी मिलती रहती हैं और जो करने वाले होते हैं जो ऐलान उनका उनके द्वारा होना होता है तो वो पहले ही अपडेट वो ट्विटर ट्विटर पर पर भी भी यानी कि बहुत उनकी देखी जा रही है कुछ ना कुछ ऐलान किया जाएगा और उसी को मद्देनजर उन्होंने देखिए इसमें लिखा भी है कि शनिवार को भगवंत सरकार में दस कैबिनेट मंत्री शामिल हुए शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कैबिनेट ने पहला फैसला पच्चीस सरकारी नौकरियां देने का किया कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया कि पंजाब के पुलिस विभाग में दस हजार भर्तियां की जाएंगी वहीं पर अन्य सरकारी विभागों में पंद्रह हजार खाली पद खाली पद भरे जाएंगे जो पंद्रह हजार पद अभी खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि चुनाव में हमने वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हरे रंग का पैन बेरोजगारी दूर करने के लिए चलेगा ये नौकरियां डिग्री के हिसाब से मिलेंगी एक महीने में इनका विज्ञापन और नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा यानी कि एक महीने के बाद में और भी अपडेट आ जाएगी वहीं तो ये पंजाब के लिए खासकर क्योंकि आम आदमी पार्टी से एक नई सरकार है और नई सरकार से बहुत सारी उम्मीदें वहाँ की जो जनता है वो लगाए बैठी है अब इन उम्मीदों पर कितना खरा आम आदमी पार्टी उतरती है ये आगे देखने वाली बात रहेगी लेकिन शुरुआत जो है वो अच्छी शुरुआत इसको कहा जा सकता है वहीं पर देखिए उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड में 22 तारीख बेहद खास है वहां पर शपथ ग्रहण होना है 25 तारीख को यूपी में होना है हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे ये तय है लेकिन उत्तराखंड में अभी चेहरे पर मोहर नहीं लगी है लेकिन आज स्थिति साफ हो जाएगी तो इन पर भी चर्चा होगी और इन पर भी जो नज़र है वो बनी रहेगी और आप, आपको अपडेट मिलती रहेगी वही दूसरी तरफ देखिए सोनिया गांधी कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस में जहाँ अगर यो, योगी आदित्यनाथ बीजेपी की अगर बात करते हैं तो बीजेपी में नई शुरुआत होने जा रही है योगी टू की जो फौज है वो खड़ी होने वाली है 25 तारीख को और कांग्रेस की बात करते हैं तो वहां पर मंथन मंत्रणा चिंतन ये सब कुछ चल रहा है गुलाम नबी आजाद से बातचीत हुई है अभी इसी को लेकर के इसमें भी लिखा गया है उन जी ट्वेंटी थ्री के नेता गुलाम नबी आजाद शुक्रवार पा, शाम पार्टी सोनिया गांधी से मिले थे और ये खबर लगातार चर्चाओं में है उनसे लगातार सवाल भी किए जा रहे हैं मीडिया के द्वारा और मिलने के बाद में इसमें लिखा हुआ है टॉप न्यूज जो है कि सोनिया गांधी के साथ में बैठक के बाद में आजाद के जो मिजाज थे वो बदल गए और उनकी जो स्टेटमेंट है उनका जो वो क्या था कि उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी हमने पार्टी के मजबूती के लिए कुछ सुझाव दिए हैं आने वाले चुनाव में कैसी तैयारियां हो पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए और विरोधी दलों को कैसे विरोधी दलों से कैसे लड़ा जाए इस पर चर्चा हुई है ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा हुई है यानी कि मुलाकात में जो जो बातें रही वो आजाद साहब ने यहाँ पर कही लेकिन जो मंथन है चिंतन है वो लगातार चल रहा है क्योंकि जो करारी हार हुई है कांग्रेस की उसके बाद में चिंतन मंथन बनता है कि जहाँ पर इतनी कोशिशें की गई इस बार लग रहा था कि बेहतर प्रदर्शन रहेगा लेकिन प्रदर्शन बहुत खराब रहा है इस पर चिंतन पार्टी कर रही है और इसी के लिए लगातार अपडेट यहाँ पर आपको मिलती भी रहेगी वहीं पर टी ट्वेंटी देखिए टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के बारे में भी लिखा गया है टी वर्ल्ड कप से पहले टकराएंगे भारत पाकिस्तान आपस में इसमें इस साल आईसीसी टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की जंग हो सकती है एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया है जिसमें टूर्नामेंट का पहला मुकाबला 27 अगस्त को होगा और फाइनल 11 सितंबर को खेला जाएगा यानी श्रीलंका इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा ये टूर्नामेंट टी ट्वेंटी फॉर्मेट में खेला जाएगा टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला देखने को मिलेगा टीम इंडिया एशिया कप इतिहास की सबसे सफल टीम है साल उन्नीस से शुरू इस टूर्नामेंट में भारत ने सात बार ये जीता है श्रीलंका ने पांच बार ये कप जीता है तो इसको लेकर के ये लिखा गया है तो इस पर भी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी तो वहीं पर देखिए अब एमएलसी चुनावों की बारी है एमएलसी चुनावों के बारे में लगातार जो अपडेट है वो लिस्ट तो जारी हुई है और लिस्ट में नाम भी सामने आए हैं तीस अगर बीजेपी की बात करते हैं तो वहीं पर एक और जो एमएलसी चुनाव को लेकर बात है कि एमएलसी चुनाव में बरकरार रहेगा सपा और आरएलडी का गठबंधन यानी कि यहां पर इस चुनाव को भी इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी है और दोनों साथ मिलकर लड़ेंगे गठबंधन नजदीक आए आ, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल विधानसभा चुनाव में साथ चुनाव लड़े अब अगले महीने होने वाले जो विधान परिषद सदस्य के चुनाव है उनमें भी दोनों सियासी दल दो की जो दोस्ती है वो बरकरार रहेगी इसमें कोई दरार नहीं है दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे मेरठ गाजियाबाद में की एम सीट एम सीट को सपा ने और आर सपा ने आर के खाते में छोड़ दी है मेरठ गाजियाबाद स्थानीय निक, निकाय चुनाव के लिए गठबंधन का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा तो इस पर नज़र बनी रहेगी क्योंकि अब एमएलसी कि जो तैयारियां हैं हैं वो शुरू हो हो चुकी चुकी उम्मीदवारों तो की लिस्ट भी जारी हो चुकी है पर देखिए एक और बड़ी खबर यह है कि भारत में अब तीन लाख से तीन लाख करोड़ से ज्यादा निवेश करेगा जापान भारत में यूक्रेन और रूस में जारी युद्ध के बीच में शनिवार को जापानी पीएम फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं जब प्रधानमंत्री मोदी और फोमियो की जो मुलाकात हुई है और उसके बाद में जो चर्चाएं हुई हैं उनका भी जिक्र है किस दौरान यहाँ पर यूक्रेन संकट पर चर्चा भी हुई क्योंकि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध है वो जग जाहिर है वहां पर वहीं दोनों देशों के बीच में अः छह समझौते भी उन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं जापान में 2024 में की गई निवेश प्रोत्साहन साझेदारी के लिए के तहत भारत में लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश लक्ष्य की घोषणा की गई है तो देखिए ये मुलाकात बेहद अहम रही और इसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। इस मुलाकात में क्या रहा वो हमने अभी आपको बताया और लगातार आपको इस पर भी अपडेट खबर चर्चाओं में रहेगी और अपडेट भी आपको मिलती रहेगी वहीं पर देखिए दैनिक जागरण में भी इसी खबर सामूहिक नेतृत्व की राह पर कांग्रेस इसमें यह है कि सोनिया गांधी से मिले गुलाम नबी आजाद जैसा कि अभी हमने जिक्र किया पार्टी में बदलावों के दोनों के बीच चर्चा हुई है कि किस तरह से बदलाव हो कैसे बेहतर पार्टी को बनाया जा सके इस पर चिंतन मंथन संसदीय बोर्ड के गठन पर हो सकता है फैसला वहीं पर इसमें यह इस तरह चल रहे हैं सुलह के प्रयास क्या सुलह के प्रयास चल रहे हैं पहला बड़ा कदम गुरुवार को राहुल गांधी ने उठाया उन्होंने असंतुष्ट खेमे के जो वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ में बैठक की ये खबर भी चर्चा में हुई जब हुड्डा ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और हुड्डा ने खास तौर पर जो भी असंतुष्ट लोग थे जो नेता थे जिनकी नाराजगी थी उनके बारे में बताया कि आखिर क्यों नाराजगी है या क्या पार्टी में कलाई चल रही है इस बैठक में कांग्रेस नेतृत्व की ओर से पार्टी के संकट का समाधान करने के लिए असंतुष्ट नेताओं के सामने कुछ ठोस प्रस्ताव पेश किए गए दूसरी चीज ये रही कि राहुल से मुलाकात के बाद में हुड्डा सीधे बोल आज़ाद के घर गए थे वहां पर आजाद और आनंद शर्मा के साथ में सुलह समाधान के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई यानी कि बातचीत लगातार चली गुरुवार की शाम की बात करें तो आज़ाद के घर पर असंतुष्ट नेताओं की एक और बैठक हुई जिसमें पार्टी नेतृत्व के प्रस्तावों पर गहन विमर्श हुआ यानी कि लंबी खींचतान के बाद में अब गांधी परिवार की मौजूदगी में ही पार्टी में नई व्यवस्था अपनाने की कवायद होगी ये अभी तक का जो फैसला है वो है आगे क्या रहेगा वो देखने वाली बात होगी वहीं पर देखिए कल अबीर गुलाल और रंगों के साथ में सराबोर वहां पर गोरखपुर में जब योगी आदित्यनाथ पहुंचे सभी के साथ में उन्होंने होली खेली उसकी तस्वीर भी यहां पर है होली जैसे पर्व की परंपरा अतीत से जोड़ती है ऐसा योगी आदित्यनाथ जब वहां पर संबोधित कर रहे थे तो कहा था तो वहां की तस्वीरें भी बहुत अद्भुत थी वहीं पर 25 तारीख जैसे कि हम सभी जानते हैं 25 तारीख को ताजपोशी होनी है शपथ ग्रहण समारोह है तो उसकी तैयारियां अभी स्टेडियम में लखनऊ में होने वाली है उसमें बहुत बेहतरीन तरीके से जो तैयारियां हैं वो वहां पर चल रही हैं इस पर नज़र बनी रहेगी ये खबर बेहद चर्चाओं में रहेगी क्योंकि मुख्यमंत्री की पद की शपथ पच्चीस तारीख को योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं वहीं पर भाजपा ने घोषित कर दिए हैं एम के तीस प्रत्याशी सपा विधायक रमाकांत के बेटे अरुण को आजमगढ़ मऊ से सीट से टिकट दिया गया है उनको चुनावी रण में उतारा गया है कई दल बदलों को भी मिला मौका तीन महिलाएं भी उम्मीदवार हैं तो इस बार देखिए विधान विधानसभा चुनाव में बहुमत पाने के बाद में भाजपा अब विधान परिषद में बहुमत पाने की जो जुगत में लग गई है इसके लिए कोशिश में लग चुकी है तैयारियां चल रही हैं भाजपा ने शनिवार को स्थानीय निकाय क्षेत्र से 36 विधान परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण की 30 सीटों के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है और आजमगढ़ की फूल फुलर पवई से सपा विधायक रमाकांत के बेटे अरुण कुमार यादव को आजमगढ़ मऊ स्थानीय प्राधिकरण सीट से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है तो इस पर लगातार आपको अपडेट मिलती रहेगी और लगातार नजर भी बनी रहेगी क्योंकि अब जो जो एमएलसी चुनाव हैं इनको लेकर के तैयारियां तेज हैं आने वाले वर्षों में जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में नहीं पड़ेगी सीआरपीएफ की जरूरत ऐसा गृहमंत्री अमित शाह ने कहा जब गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को पहुंचे थे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया सीआरपीएफ की सबसे आधुनिक कार्यबल बनाने का रोडमैप बनाया जाए और गृहमंत्री ने सीआरपीएफ की स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया था और वहीं पर उन्होंने ये सारी बातें कही थी तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जिनको लेकर के खबरें हैं जिनको लेकर के आपको अपडेट मिलती रहेगी और ये खबर चर्चाओं में भी बनी रहेंगी फिलहाल जो सभी की नज़र बनी हुई है वो यूपी उत्तराखंड पर है क्योंकि यूपी में भी ताजपोशी होनी है उत्तराखंड में भी यूपी में चेहरा तय है लेकिन कौन कौन से नए चेहरे होंगे जिनको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी इस पर सभी की नज़रें टिकी हुई हैं वही दूसरी तरफ उत्तराखंड है जहाँ पर अभी ऐलान हालांकि बाईस तारीख का हो चुका है लेकिन कौन सी बनेगा इसकी रेस में कौन सबसे आगे है इस पर तमाम तरीके की बातें होंगी ये इस पर आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी इस पर आपको अपडेट मिलेगी और लगातार हमारी नजर बनी रहेगी हम आपको भी आप बताते रहेंगे फिलहाल इस एक पर यही विराम देते हैं और आप अपना बहुत ख्याल रखिए देखते रहिए इंडिया वॉइस नमस्कार बंद कर दो बंद कर दिया क्या देना जरा बंद कर दें।